नमस्कार, मैं हूं आसिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। चुनाव का समय है इस वक्त पूरे शहर में। जिस चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो है मेयर का चुनाव, लेकिन एक चुनाव जिसको लोग भूल रहे हैं वो है वार्ड पार्षद का चुनाव। इस समय में हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 28 में। यहाँ की कहानी ये है कि अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक वेब सीरीज़ देखी थी। वेब सीरीज़ की भी पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूँ, भूमिका बता दूँ कि हम लोग जब छोटे थे तो टीवी पर एक चैनल आता था, दूरदर्शन, उसी पर हम लोग देखा करते थे चित्रहार, रंगोली और सैटरडे संडे फिल्म। फिर जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो केबल टेलीविज़न आ गया जिसमें बहुत सारे चैनल आ गए। लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने पर इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब एक चीज़ वेब सीरीज़ जो काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है इस देश में। कुछ दिनों पहले मिर्ज़ापुर नाम की एक वेब सीरीज़ आई थी और उसके एक बहुत लोकप्रिय किरदार थे जिसका नाम था मुन्ना त्रिपाठी। मुन्ना त्रिपाठी एक बच्चे को मारते हुए, एक स्टूडेंट को मारते हुए कह रहे थे कि पढ़ने लिखने वाले छात्र को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, IAS YAS बनना चाहिए, कहाँ राजनीति में घुस रहे हैं। तो हम वार्ड नंबर 28 में जब पहुँचे तो यहाँ पर मुलाकात हुई एक व्यक्ति से जिसकी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, जो अमेजन जैसी कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन ये सब छोड़कर कूदने की तैयारी कर रहे हैं वार्ड पॉलिटिक्स में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे मुन्ना त्रिपाठी के ही अंदाज में कि आखिर क्या वजह है कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ कर, अच्छी खासी नौकरी छोड़ छाड़ कर क्यों पॉलिटिक्स में कूदना चाहते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बुलाना चाहेंगे आप लोगों के बीच। आइए, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद शमीम अंसारी है। सलाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सब कोई। ठीक है, तो हम चलते चलते बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं नौकरी पेशे के लिए, और अच्छे जगह आपने पढ़ाई की, अच्छी खासी नौकरी भी थी, वो सब छोड़ छाड़ कर आप जो है क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, पढ़ाई लिखाई अब यही लोगों का कॉन्सेप्ट है। IAS YAS बनने का सपना नहीं आया कभी? सब देखिए, हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स वाले लोगों को कभी ऐसा सपना नहीं आया, लेकिन हमें करना चाहिए और हमें जाना चाहिए इस चीज़ में। और रही बात आपकी राजनीति में क्यों आना चाहिए? आप बोल रहे कि नॉन सी उतना ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तो मशहूर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यही है कि देखिए हमारे वक्त में ऐसा था कि अगर आप अच्छे से 75% वगैरह में पास कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कि ये रहता है कि चलो ठीक है, अच्छा काम कर लिया। और उस टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइम में एंट्रेंस वगैरह का जो सिलसिला हुआ करता था, और हमारे टाइम में 2011 के टाइम में एंट्रेंस था, तो हमने एंट्रेंस में वहाँ से एंट्रेंस में दिया और उसमें क्लियर किया एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जाम देकर आए थे, तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब क्या कर रहे हैं आप फिलहाल? देखिए, अभी तो फिलहाल मैं अमेज़ॉन जैसी कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, SME। और उसके बाद फिर अलग से यहाँ पे घर पे भी हमने, जब मैं यहाँ पे लॉकडाउन में आकर करके शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे अपना एक फ्रेंचाइजी SNS कैफे की शुरुआत भी की है। छोटे मोटे यहाँ पर आपने काम बिजनेस जी कंपनी में आप काम करते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी मिलती होगी, मोटी सैलरी? माशाल्लाह, अल्लाह कमाने लायक और खाने लायक दे देता है, बस इतनी ही कमाई हो जाती है। कहाँ है, सब मिडिल क्लास परिवार का यही सपना रहता है कि बच्चा पढ़े लिखे, अच्छी जगह नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए, उसके बाद राजनीति जैसी गंदी चीज़। और पढ़े लिखे लोग तो राजनीति को गंदी, यही स्टीरियोटाइप तोड़ना है हम लोगों को। अच्छा। अगर नौजवान आकर करके ये बात बोले कि गंदी राजनीति, सबसे पहले राजनीति को हमें गंदी नहीं कहना चाहिए, और हम लोगों को अपना एक ये स्टीरियोटाइप तोड़वाने के लिए ही मैं इसमें आया हूँ कि जनता को जागरूक कर पाऊँ कि पॉलिटिक्स कुछ ऐसी गंदी चीज़ नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप जनता के बीच में रहना चाहते हैं और जनता के सेवक बना रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पोस्ट की ज़रूरत होती है, और पोस्ट में आने के लिए आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। और अगर ज़रूरत हम लोग जैसे युवा अगर सामने नहीं आएंगे और पुराने बूढ़े पुराने को जैसे बोल रहे हैं आपकी राजनीति गंदी होती है, अगर वैसे ही छोड़ दें तो फिर कहीं से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं से कुछ ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आपकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में थे आप, उसके बाद नौकरी के लिए कौन से शहर गए? गुजरात के, सबसे पहला जो सफ़र हुआ मेरा वो गुजरात की तरफ था। तो वहाँ पर एक छोटी सी कंपनी में एक साल के बराबर काम किया, उसके बाद फिर थोड़े प्रिपरेशंस करने लगा, और मिडिल क्लास फैमिली से थे तो एक प्रेशर था घर का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी संभालनी है, बड़े भाई मेरे हैंडीकैप थे तो मेरे को ही सब कुछ करना था जी, इसलिए वहीं से गुजरात से स्टार्ट हुई मेरी करियर की। तो फिर उसके बाद फिर कहाँ गए? उसके बाद फिर मैं नौकरी के सिलसिले में मैं
मुंबई में 6 महीने मैंने नवी मुंबई में काम किया, उसके बाद फिर उसके बाद जब दिल्ली आया, वापस दिल्ली आ गया, मेरे को नाइट शिफ्ट्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर वहाँ से मूव कर करके डायरेक्टली अमेजोन हैदराबाद ज्वाइन किया। हैदराबाद जी, तो हैदराबाद, गुजरात, मुंबई, दिल्ली जी, ये 4 बड़े शहर जी देश के आज तरक्की जब हम दिखाने की बात करते हैं, पश्चिमी देशों में जब हम हिंदुस्तान की तरक्की दिखाते हैं तो इन्हीं शहरों की तस्वीर वहाँ पर हम दिखाते हैं जी, बेशक। उन शहरों में आप रहे लेकिन अभी आप हैं 3rd tier सिटी में, पूर्णिया में, यहाँ की राजनीति और उन जगह में रहे हुए आपका जो फॉर्मेटिव ईयर था, जो बनने का साल होता है, कोई भी व्यक्ति जो बनता है वो 20 से 30 के बीच के या 15 से 25 या 30 कहिए उसी एज में, जब तब आप बाहर थे, आज आप पूर्णिया की राजनीति में उतर रहे हैं, पूर्णिया की राजनीति को समझने में, यहाँ के चैलेंजेस को जानने में दिक्कत नहीं होती है? पिछले लॉकडाउन में जब मई के टाइम जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसी टाइम में मैं अपने घर पे आ गया था, उसके बाद से लगातार जो है फील्ड में रहने के बाद मेरे को पता चला कि चीज़ें जो है जिस तरह से चलती हैं, जिस तरह से महानगरों में, महानगर भी जो है वो नगर से बन कर करके महानगर बना है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपने चैलेंजेस, अपने अपने डेवलपमेंट के पार्ट और प्रोसेस रोल्स सबके अलग अलग रहा। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे देखा कि सिर्फ इलेक्शन जीतने के बाद प्रतिनिधि भूल जाते हैं कि कुछ भी करना है। आप अपने वार्ड में या फिर आप पूर्णिया के अभी किसी भी 4600 वार्ड में से आप जा करके चेक कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे काम नहीं हुआ है उनका रीज़न क्या है, हमारे प्रतिनिधि एजुकेटेड हैं या नहीं है, उनको पता है कि नहीं योजनाओं, कितनी योजना है उनको पता है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं धरातल पे नहीं दिख रही थी। अभी मैं जिस वार्ड में खड़ा हुआ हूँ वो वार्ड नंबर 28 है और ये मेरा घर है और इस घर पर मैं अपना ज़िंदगी, अपना बचपन पूरा दे चुका हूँ ऑलरेडी, और मेरे को पता है कि ठीक है। सबसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है। 28-29 साल जी। तो मिडिल क्लास फैमिली में जो है नौकरी हो गई जी, है पढ़ाई भी अच्छी हो गई जी, जी। है तो थोड़ा बहुत काम धंधा भी आपने यहाँ शुरू कर दिया है जी, तो अभी शादी कीजिए, कहाँ पॉलिटिकल घुस रहे हैं? देखिए ये भी एक अलग मुद्दा है और शादी तो दुनिया का सबसे बड़ा एक मुद्दा है जिसको कि लोग हर किसी को उस फेज से गुजरना है, वो भी एक टाइम है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि पिछले 1.5 सालों में मेरे को जो चीज़ें धरातल पे दिखनी चाहिए थी वो चीज़ें दिखी नहीं। जो पहला मुद्दा है वो है कि हमारा आसपास रहने का क्षेत्र जहाँ पे हम रह रहे हैं वो कम से कम अगर महानगर निगम जैसा नहीं है तो नगर निगम जैसा भी तो हो, क्योंकि ये ऑलरेडी नगर निगम 2008 वगैरह 9 में घोषित कर दिया गया था, जैसे मेरी नॉलेज है, जानकारी है, उस हिसाब से उसके हिसाब से काम नहीं देखा। अगर मैं इस चीज़ के मुद्दे से भटक कर करके अभी शादी की बात करूँ तो फिर मतलब मेरे में और दूसरों में क्या फ़र्क है? अच्छा, हम जानना चाहेंगे, दिल्ली रहे हैं, बॉम्बे रहे हैं, हैदराबाद भी रहे हैं, गुजरात के कई शहरों में रहे हैं, तो पूर्णिया के नगर निगम के हालात जो हैं इस वक्त और जिस वार्ड में आप रहते हैं, ऐसी क्या कमी लगती है कि क्या देख के लगता है कि वो भी चीज़ यहाँ होनी चाहिए जो आपने वहाँ देखा, वहाँ महसूस किया, जिसकी कमी आपको यहाँ लगती है कि वो चीज़ यहाँ नहीं है और हो सकती है? बेशक, एकदम रिमार्केबल बात आपने की है। और अगर मैं बात करूँ तो वो दो चीज़ें हैं जो सबसे मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बात करता हूँ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा क्षेत्र एकदम बिना काम के लगता है और उसमें डेवलपमेंट नहीं लगता है। तो वो दो चीज़ें क्या है? वो पहली चीज़ है एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य, हेल्थ, जो कि अभी हम लोग इतने बड़े आपदा से उठ कर करके आए। अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन, वार्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, वार्ड में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो एक बड़े शहरों में है, नगर पालिका के अधीन वाली चीज़ जो आप कह रहे हैं वो राज्य सरकार की अधीन चीज़ें हैं, उसको आप वार्ड का चुनाव लड़के नहीं करते? मैं बिल्कुल उसी मुद्दे के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मगर बेसिक जो नीड्स है, जो कि एक इंसान का नीड होता है कि रोड अच्छे हो उसके, ठीक है, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो, ठीक है, और लोग जो है जैसे लोगों को आम जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है वो योजना के लाभ मिल जाए, कुछ ऐसी योजनाओं की बात मैं जैसे करूँगा। अभी इंदिरा आवास की बात करता हूँ, उसका नाम पीएम आवास योजना कर दिया गया। तो अगर मैं बात करूँ पीएम आवास योजना की, तो उसमें बताया गया है कि कच्चे मकानों को बदलकर पक्के के मकानों में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस बात को हम लोग आकर के धरातल पर चेक करें तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुंह देखा देखी वो आवास योजना बांटा गया है, ठीक है, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, लेकिन जो प्रतिनिधि के आसपास है उनको बस मिल जा रहा है, उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दूसरा योजना आपको बताता हूँ मैं,
कि सबसे बड़ी बात है हम लोग इतना उतने बड़े लेवल पे नहीं जाते, लेकिन छोटे लेवल पे बात करते राशन का, राशन कार्ड, राशन मिलने का, ये सारा जो मुद्दा है वो एकदम धरातल पर एकदम बिगड़ गया, काम हो नहीं रहा है। तो आप कहीं पे भी वार्ड नंबर 28 के सबसे बड़ा मेरे को ये लगता है कि आप खुद ब खुद देख सकते हैं, रोड्स वगैरह पे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो रोड्स आज से एक साल पहले बने हैं उसकी हालत क्या है, और जो नाला है वो नाला नीचे, नाला ऊपर होकर करके रोड नीचे है, जिसकी वजह से नाला का जो फ्लो है वो सारा रोड पे आ जाता है। तो आम लोगों की परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी ये रोड अभी बना हुआ है, और दूसरी परेशानी ये योजनाओं का जो लाभ है वो सही तरीके से आम लोगों को, जनता को नहीं मिल पा रहा। क्यों? चूँकि मैं लोगों के साथ अभी रह चुका हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ इनको कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा शमीम, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, आपके वार्ड नंबर 28 में मैं पिछले साल रिपोर्टिंग कर रहा था कि इस वार्ड में नाले की समस्या बहुत विकट है, पानी जो है वो नाले का सड़क पर रहता है, और शहर का भी, अगर सिर्फ वार्ड 28 की बात नहीं करके पूरे शहर की बात करें तो नाले की समस्या और पानी का, बरसात का पानी का समस्या बहुत बड़ा है। सपोज कि आप चुनाव जीतते हैं, जनता आप पर विश्वास करती है, आप आते हैं, तो क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है, कोई रास्ता है जिससे ये दिक्कत यहाँ के लोगों का, खास करके आपके वार्ड के लोगों की और शहर के लोगों की, किस तरह से ये नाले की समस्या, जो पानी, जो पैंट ऊपर करके लोगों को चलना पड़ता है, जूता हाथ में लेके चलना पड़ता है, इसका कोई समाधान, कोई रास्ता है आपके पास? ये सही कि आपने याद दिला दिया, बहुत बड़ा मुद्दा है नगर पालिका में आज जल जमाव का, और इसकी लड़ाई शायद अलग अलग वार्ड में अलग अलग तरीके से चल रही है आज के डेट में। और जैसा आपने बताया कि पिछली बार रिपोर्टिंग में आपने शायद दिखाया था, वो जस्ट मेरे घर से 10 कदम की दूरी पे वो जगह है जहाँ पे पानी बरसने के बाद जो है वो सैलाब बन जाता है, सबके घरों में पानी घुसने लगता है सब, और वो पानी बारिश का पानी नहीं, वो नाले का पानी। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि नाला ऊपर है और रोड्स नीचे है, जिसके वजह से जो नाले का ओवर समाधान बताइए आपके पास कोई मेरा समाधान देखिए यही है कि निकासी समाधान जनता जी प्रॉब्लम किसको पता है, समाधान बताइए। लोगों का समाधान बस यही है कि इसमें निकासी की सबसे बड़ी जो समस्या है उस निकासी की समस्या को हल किया जाए। वो कैसे? वो आपको सबसे पहले, अगर आप जानते हैं और सदन में जाते हैं तो आपको पता है कि किसी का रूट प्लान और किसी जगह का जो नाले वाले का प्लान है वो कैसा होता है, उसकी निकासी कहाँ से, उसके ब्लॉकेज ब्लॉकेजेस कहाँ। अगर निकासी की बात आती है तो वो तो आपके वार्ड के लिए नहीं होगा, वो तो पूरे शहर की निकासी की बात होगी। जब तक मैं अपने वार्ड लेवल पे अपनी चीज़ों को आगे नहीं पहुँचाऊँगा और तब तक ये फिर पूरे नगर निगम लेवल का कैसे होगा। हमें सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें कदम उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही हैं और ये इनका निकासी, जैसे ब्लॉकेजेस कुछ कुछ घर की वजह से है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से है, वो सब सब सरकार हटाए, वो सब सब जनप्रतिनिधि के लिए काम करें। वोट खराब हो जाएगा, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? देखिए यहाँ वोट की राजनीति के लिए मैं आया नहीं हूँ, मैं यही बात बोल रहा था आपका कि अतिक्रमण हो गया है, जो लोगों ने अतिक्रमण किया है वो आपको वोट देंगे? जो गलत है उसको गलत है, उसको अगर मान के चलिए मैं किसी गलत को फैब्रिकेट कर करके, मैनिपुलेट कर करके लोगों से वोट लेने की सिर्फ बात करूं तो वो मेरी राजनीति नहीं है। मेरे को लोगों से मिल कर करके, लोगों की बातें, प्रॉब्लम पता चले, उनके लिए काम करना, उनको रीइंस्टेट करना, और हमको अगर मैं इनिशिएट नहीं करूँगा अपने लेवल पर, वार्ड लेवल पर, तो फिर कभी नगर निगम लेवल पर नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितनी भी बात कर लें, किताबी ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े शहरों में रहे हैं, वहाँ की दिक्कतें देखे हैं, और एक सपना लेके कूद गए राजनीति में, हाँ जवान भी हैं, काफ़ी कम उम्र है, क्यों विश्वास करें लोग आपके पास? एक्सपीरियंस क्या है, खाली किताबी ज्ञान है या कुछ एक्सपीरियंस भी है कि नहीं? देखिए ये दूसरी बार देखिए कि चुनाव हो रहा है, चलो हम भी पर्चा भर देते हैं, ये दूसरी बार है जब ये सवाल मेरे से पूछा गया। एक टाइम था जब जॉब के लिए पूछा गया था आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था, लेकिन जब आपने यहाँ पे पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले 5-7 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स की काम कर रहा था। मैं अपने यूनिवर्सिटी में, जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस टाइम में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन किया था, और किसी पार्टी के अंदर काम नहीं कर करके वहाँ से कल्चरल सेक्रेटरी का इलेक्शन फाइट किया और जीता था इलेक्शन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो चुनाव का मतलब राजनीतिक पार्टियाँ, अलग अलग पार्टी, सब पार्टी जी जी, वहाँ पे बिना पार्टी के आप जीत गए।
वही है, अलग अलग लोगों की सोच है। वहाँ पे डेलीगेट्स के इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटी इलेक्शंस होते हैं, कल्चरल सेक्रेटरी और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वाले इलेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आप बिना पार्टी के भी लड़ सकते हैं। तो उसमें आपको इंडिपेंडेंट भी आप लड़ सकते हैं और कोई भी आपको वोट कर करके जिता सकता है। तो उस वक्त हमारी जीत हुई थी। फिर उसके बाद 2014 में जब मोदी जी सेंट्रल में गए, तब मैं वहाँ पे बड़ौदा में अपनी जॉब कंटिन्यू करने के लिए गया, जब फर्स्ट जॉब थी। उसी वक्त महाराजा सयाजी राय यूनिवर्सिटी में भी हमने अपनी पॉलिटिक्स की थोड़ी सी काम की शुरुआत। स्टूडेंट यूनियन। तो ये थे शमीम, वार्ड नंबर 28 के रहने वाले हैं और आने वाले चुनाव में जनता के बीच उतरने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई हुई है, वहाँ छात्र संघ के चुनाव में भी इन्होंने हिस्सा लिया है, बड़ौदा में भी छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लिया है और साथ ही साथ अमेजन कंपनी में एक लंबे समय से कार्यरत भी है। आने वाले चुनाव में 28 नंबर वार्ड की जनता फैसला करेगी कि इनको अपना वार्ड पार्षद बनाना है या नहीं। देखते रहिए नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई कवरेज हमारे यानी वासिक मुस्तफ़ा के साथ, और देखते रहिए से 24 लाइव। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल है आपसे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप तो पढ़ लिख रहे थे, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लॉकडाउन में अपने शहर आए और पिछले 2-2.5 साल से यहाँ रह रहे हैं और लगा आपको कि चुनाव में उतरना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव जीत रहे थे और वार्ड की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, तो कहाँ उनके जिम्मे आपको कमी लगी उनके कर्तव्य में कि आप खुद कूद पड़े हैं? क्या लगा कि क्या वो लोग काम ढंग से नहीं कर रहे हैं ऐसा? तो देखिए, अगर काम ढंग से कर रहे होते, देखिए मैं ही खुद अपना बता रहा हूँ कि पिछली बार जो प्रतिनिधि जीते थे उनको वोट मैंने खुद किया था। अगर वोट मेरे को सामने आ कर करके मैं किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहा हूँ तो उसका मतलब रीज़न हो सकता है। कल का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो प्रतिनिधि का गायब रहने का रीज़न है, जिसकी वजह से आप एक यहाँ पे मुजफ्फर अहमदनगर बीआईपी कॉलोनी में एक रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में 4 इंच बेड मिसाली की बात हुई थी, जिसमें 1 इंच और आधा इंच का बेड मिसाली दे रहे थे वो लोग, और लो क्वालिटी सीमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे थे। अच्छा। जैसे कि पहले यूज़ होता था अल्ट्राटेक, तो अभी सम्राट सीमेंट यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और वो भी किसी के कहने पे नहीं, या फिर कोई भी वहाँ पे कोई नहीं था। तो जब लोगों को ये प्रॉब्लम पता चली तो हम लोगों ने जाकर करके देखा, वहाँ से ठेकेदार से बात किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बताया कि यहाँ पे बेड मिसाली जो है 4 इंची का ही दिया गया था, लेकिन हम लोग अभी भरेंगे। तो यही वो काम है, अगर प्रतिनिधि खुद से रह कर करके जगह पे 1.5 इंची या 1 इंची या 0.5 इंची की जगह जो दिया गया, दर्शाया गया एस्टिमेट है, उसमें 4 इंची का ही बेड मिसाली धराएगा तो उससे रोड अच्छा बनेगा। एक रोड को 50 बार बनाने से 50 रोड नहीं बनाया जाता है, एक 50 अलग अलग रोडों पे अच्छे से काम करने से तब 50 गिनती होती है। लोग यहाँ प्रतिनिधि हमारे कहते हैं कि मैंने 50 रोड बनाए हैं। ठीक है, ठीक है।